हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ भटूरा। चलिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको। मैंने एक कटोरी आटा ली हूँ। एक कटोरी मैदा, आप मैदा में बस केवल मैदा में भी बना सकते हैं। सूजी एक चम्मच, दही छोटी कटोरी में, एक कटोरी से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा शुगर, जितना मैं नमक डाली थी उतना ही, इससे भटूरे को कलर अच्छा आता है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे दही में पहले। इसमें मैं कोई इनो या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ नहीं मिला रही हूँ, आप इसमें मिला सकते हैं। मैं ऐसे बना रही हूँ। देखिए दही अच्छे से मैं मिला ली हूँ। अब मैं इसमें नॉर्मल पानी से ही इसको भूनूंगी। नॉर्मल पानी से ही एक सॉफ्ट डो बना लेना है। ये अच्छे से मैं डो तैयार कर ली हूँ, एकदम सॉफ्ट है हमारा। अब हम इसको 1 घंटा इसको रेस्ट कराएंगे। अब जितना ही इसको टाइम तक रखेंगे उतना अच्छा भटूरा बनेगा। थोड़ा सा इसको तेल लगा के हम इसको एक बाउल में रख के इसमें ढक के इसको 1 घंटा रेस्ट कराऊंगी। ये 1 घंटा हो गया, अच्छे से फूल गया है, अच्छे से सूजी भी अच्छे से इसमें फूल गया है और एकदम सॉफ्ट हो गया है। ये मैं आप लोग को बना के दिखाती हूँ। इसमें आटा नहीं लगाएंगे, तेल से ही बनाएंगे हम। थोड़ा सा चकले का तेल ले लेंगे, इसमें का आधा कर देंगे, फिर इसका सिकर के पेड़ा काट लेंगे। तो मैं पेड़ा काट ली हूँ, मैं इतना बड़ा बड़ा ली हूँ, आप अपने साइज से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब हम इसको बेलेंगे, इस पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तेल भी हमारा गर्म हो गया है अच्छे से, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसको बेल लेंगे। अपने अनुसार जो शेप आपको देना है उस शेप में आप बना सकते हैं। कि मैं इतना साइज के बनाई हूँ, इतना बड़ा, थोड़ा सा हाथ पर ऐसे करके हम इसमें ऐसे करते रहे। देखिए कितने अच्छे से फूला है ये ना। इसमें मैं कोई सोडा
नहीं डाली हूँ, बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाली हूँ इसमें। ये देखिए कितने अच्छे से बन रहा है, कलर भी कितना अच्छा आया है, देखिए कितने अच्छे से फूला है। ऐसे हम सारे को बना लेंगे। ये देखिए हमारा भटूरा तैयार हो गया, ये कितने अच्छे से फूला है। आप लोग भी मेरे तरीके से बनाइए, खाइए, कैसा बना है कमेंट में जरूर बताइएगा। ये कलर भी कितना अच्छा आया है, मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। देखिए अंदर भी देखिए कितने अच्छे से है। आप लोग भी इसी तरह से बनाइए, इसमें सोडा वोडा कुछ नहीं मैं डाली हूँ। थैंक यू।